साइबर पुलिस की मदद से एक गरीब छात्रा के चेहरे पर रौनक लौट आई। छात्रा ने कॉलेज की पढ़ाई के लिए 1,00,000 रुपए जमा कर रखी थी। कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए उनसे आवेदन किया गया। इसके बाद छात्र सुभा पात्रे के मोबाइल पर कॉलेज की ओर से एक लिंक आया। उस लिंक पर क्लिक करते ही उसके बैंक खाते से 1,00,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए। छात्रा को लगा कि पैसे कॉलेज के बैंक खाते में जमा हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन जब उसे पता चला कि कॉलेज के बैंक खाते में उक्त पैसे जमा ही नहीं हुए, तब उसने साइबर पुलिस थाने में 24 मई को इसकी शिकायत की। पुलिस निरीक्षक अशोक बागुल के मार्गदर्शन में साइबर थाने की महिला पुलिसकर्मी ज्योति सहारी ने कार्रवाई की। छात्रा को उसकी रकम एक दिन के प्रयास से वापस मिल गई। एक कॉलेज गोइंग गर्ल थी जिसके पापा का किराना शॉप है। बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। उसने लास्ट ईयर में होते हुए ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद मास्टर्स के लिए हरियाणा रोहतक के कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन किया। तो कॉलेज ने उसको बताया कि 1,00,000 रुपये आपको एडमिशन फ़ीस देना पड़ेगा। तो ये आदमी लॉकडाउन में कोई बहुत ज़्यादा हालत किसी भी बिजनेसमैन की या दुकानदार की नहीं है, हम सबको पता है। इसने किसी ढंग से 1,00,000 रुपये जमा किए और वो वहाँ पर भरने के लिए बेटी को बोला। तो बेटिया ने अनफॉर्चुनेटली वो फ्रॉडस्टर्स के नंबर पे उसकी बातचीत हुई और उसने जो पैसा डाला इट वेंट इन टू रॉन्ग अकाउंट, इट नेवर वेंट टू द कंसर्न कॉलेज। फिर कुछ दिनों बाद इन्होंने कॉलेज को पूछा कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ क्या। तो कॉलेज ने बताया कि आपका तो पैसा ही नहीं आया, फीस नहीं आया। तो ये लोग काफ़ी डर गए, काफ़ी सहम गए। फिर इन्होंने पता किया तो पता चला कि बिटिया से पैसा कहीं और चला गया गलती से। तो लेटर ऑन ही अगेन अरेंज, उसको काफ़ी हार्डशिप हुई। किसी ढंग से और 1,00,000 रुपए का उसने इंतजाम किया और फिर से फीस भरी। और फिर बाद में वो लोग साइबर में आए, साइबर पुलिस स्टेशन में आए तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे, काफ़ी नाराज थे, बहुत दुखी थे, क्योंकि उनका हार्ड अर्न मनी 1,00,000 रुपए गया था। तो जैसे वो आए, हमारी API लांजवार मैडम और हमारी ज्योति, इन्होंने उनका पूरा कंप्लेंट लिया और उसको सही ढंग से काउंसिलिंग किया। नमस्ते, मेरा नाम शुभ्रा पात्रे है और मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने हायर स्टडीज़ के लिए एक कॉलेज में अप्लाई किया था एंड उनके थ्रू उनसे मुझे एक मेल आया सिलेक्शन का। उस मेल में एक लिंक था जिसके ऊपर जाकर मुझे पेमेंट करना था 1,00,000 रुपीज़ का एंड मैंने वहाँ पर जाके नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट किया। तो ट्रांजेक्शन के एंड में एरर आया और मेरा पैसा शायद कहीं और, मेरे अकाउंट से तो डिडक्ट हो गया और शायद कहीं और चला गया। मैंने कॉलेज को, जिस कॉलेज में मैंने अप्लाई किया था, जिनसे मुझे मेल आया था, उनको मैंने उनसे रीच आउट किया तो उन्होंने कहा कि वो पैसे उनके अकाउंट में नहीं गए हैं। तो उन्होंने मुझे नया पेमेंट करने कहा। तो मैंने जब नया पेमेंट किया तब वो हो गया। बट ये जो मेरे पैसे थे पहले जो मैंने किए थे 1,00,000 रुपीज़ के, वो मुझे लगा शायद कहीं और चले गए हैं। तो मैंने जल्दी से आके साइबर पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेन की। वहाँ पर ज्योति सहारे मैम और अशोक बागुल सर ने मेरी बहुत हेल्प की, मेरी कंप्लेन रजिस्टर करी एंड उनके रिपीटेड मेल्स जो उन्होंने कंपनी को किए, तो उससे मैंने 24th को कंप्लेन की थी, 25th को ही अगले दिन मुझे मेरे पूरे पैसे 1,00,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट में वापस रिफंड हो गए थे। पुलिस निरीक्षक अशोक बागुल नागरिकों को साइबर अपराधियों से सावधान करने के लिए समय समय पर मार्गदर्शन शिविर और वेबिनार का आयोजन करते रहते हैं। वह अब तक 67 वेबिनार व सेमिनार का आयोजन कर चुके हैं। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।